हरे हरे चूड़ियां। मंदिर आगे बैठ गई। लो अब्बू आ गए, खुद ही इजाजत ले लो। एक मिनट। किस चीज की इजाजत? क्या कह रही हो? अब्बू मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, काशा मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। बेटा जीती रहो, खुश रहो। बहुत खुश हो गया हूँ। बेटियां जब माँ बाप के घर आती है ना बेटा, तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। अबू, अबू मैं आपको कुछ शिकायत का मौका नहीं दूँ। जीती रहो। अबू मेरी एक और बात मान ले, जैसे आपने मेरे सर पे हाथ रखा है ना, ऐसे ही इनके सर पे भी हाथ रखते हैं। वो आपकी बेटी है। जिस दिन उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, उसके सर पे भी हाथ रखती हूँ। अभी तो काशान आया है, उसको वकार से जरूर मिलवा दें। लेकिन अबू वो क्या? अबू मैं नहीं चाहती कि काशान वकार भाई से इन हालात में हो। हालात ठीक हो जाएंगे, अगर इन दोनों का नाम मिलवाया तो ये दोनों नाराज भी हो सकते। तुम्हारे समझाने का असर हो गया माहिम, आ रहे काशानों से लेने। ये तो अच्छी बात है ना अम्मी, आपकी दोनों बेटे अपने घर वापस आ रहे हैं। तुम जाना चाहती हो बकार से? और ऑप्शन है मेरे पास? तुम जो फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ। पहले जो हमसे गलती हुई है वो मैं अब किसी को दोहराने नहीं दूंगी। मुझे बकार के साथ जाना पड़ेगा हमें। शायद शायद इसी तरह मैं अपना मकाम वापस पा नहीं सबकी नजरों में। और वकार की नजरों में काश एमन जो जख्म तुम्हारे मैंने देखे हैं वो मैं औरों को भी दिखा सकूं। लेकिन मैं मुझे एमन से कुछ बात करनी है। जो भी बात होगी बड़ों की मौजूदगी में होगी। अगर बड़ों के सामने हर बात होने लगे तो बड़ों को अपनी बड़ाई पर शर्म आने लगेगी। मुझे इनसे बात करने देंगे। कही है? बड़ा मान था ना तुम्हें अपनी मोहब्बत से। हॉस्पिटल से तो ऐसे लेकर गया था जैसे अब उम्र भर साथ नहीं छोड़ा। यहाँ माँ बाप के दरवाजे पर फेंक कर चला गया। कहा था मैंने तुमसे कि तुम उसके लिए सिर्फ अय्याशी हो। अगर आप मुझसे मुंह ना फेरते वो मुझे घर ही छोड़कर जाता। वापस जाना चाहती हो? आप क्या चाहते हैं? अपने घर वालों के सामने इतराफ कर लो कि अली ने तुम्हें दहलाया। मतलब ये कि अली की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई। हमारे कदम अगर अली की मोहब्बत में ना बहते तो हम खुश होते। इन्हें कदम कभी नहीं बहेंगे। सोच लो, अगर अपनी जिद पर अड़ी रहोगी तो यहीं पे रहोगी मेरा नाम लेके। ना मैं लेके जाऊंगा और ना ही अली के काबिल छोड़ूंगा। एक पत्थर को मैं मोम कैसे करूं,
शक में डूबे हुए दिल में कैसे जीऊं, सच की सच्चाई में लफ्ज कैसे भरूं, किस कदर अकेली हूं मैं, चांद है न कोई है सितारा, खाली आसमान नहीं दादी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई है और मैं बहुत शर्मिंदा हूं उसके लिए। हमने तो खाना खा लिया है, खाना खाने का मूड हो तो लगाऊं खाना। अरे नहीं अंकिल, फिर कभी। माहीन, सास को मेरा बहुत सलाम देना और उन्हें कहना कि मैं जल्द उनसे मिलने जरूर आऊं। ठीक है, ठीक है ना? चलेंगे। हेलो बड़ी, क्या हाल है? ठीक बिल्कुल। यार तुम आए नहीं वहां पे हमारी तरफ, फिर मैंने भी एमन से कह दिया था कि हम भी तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे। क्यों एमन, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं नहीं, हम लोग बहुत जल्द इंशाल्लाह चलने वाले हैं। देखो एमन, फिर से वादा कर रहा है। हाँ काशान बेटा, एमन और वकार चले जाना तो तुम लोग भी इन लोगों के पास चले जाना। कितने प्यार से बुला रहा है मेरा बच्चा। जी दादी बिल्कुल। माहीन चले आप? जी मैं एमन से मिलकर आती हूँ। See you. कितना मक्कार इंसान, देखा काशान के सामने किस तरह रिएक्ट कर रहा था। माहीन, अब वकार की बातों को छोड़ दो, काशान से कभी नाराज मत होना, वो बहुत अच्छा है। लेकिन एना देखो, तुम वकार की बातों में मत आ जाओ, उनके साथ वापस मत चलो। माहीन बेटा, इंतजार कर रहा है काशान। जी जी अबू आ गई। चले चलो, हो गया जी। अरे बेटा ओके, जी जी बिल्कुल। हाँ वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तुम्हारे? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मैं कराची आ गया हूँ और मुझे शिजा के घर का कंप्लीट एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए। एंड मेक श्योर उसको इस बात का पता ना चले कि मैं कराची आया हूँ। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे फौरन टेक्स्ट करो। ओके अल्लाह। तो ऐसे बैठी हुई जैसे मैं तुम्हें किडनैप करके लेकर आया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि फाइनली मैं आपके घर जा रही हूँ। मेरे घर? काशा मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई, घर आ गई हूँ, घर में रहने वाली लोग मुझे भी समझ में आ गई कि तुम्हें कौन सी बात हुई। सच तो यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा तुम समझते। देखिए अब सिर्फ
तुम ही से वापस हो। तुम्हारे बगैर ना तो हर किसी काम का है ना ही उसका। क्यों सॉरी कह रही हो यार? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं तुमको हर्ट किया। शायद हमने ठीक ही कहा, मुझ में ही बर्दाश्त करता हूँ। अपना कोई भला इतनी सी बात पे अपना घर छोड़कर जाता है, कोई बात नहीं। आइंदा ख्याल रखना कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। ये मन को देखकर जो सबक मैंने सीखा है ना, आपकी दहलीज पर जान देता हूँ, लेकिन कभी अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। ईमन के साथ क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। वकार वापस जाना चाह रहा है। जाना चाह रहा है तो जाने दे। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? इमन साथ जाएगी उसके। उसने कहा है आपसे कि वो इमन को ले जाने आया। इसमें कहने वाली क्या बात है? इसीलिए आया है वो कि इमन को वापस लेके जाए? इमन को साथ ले जाने नहीं आया वो। वो सिर्फ आप लोगों के सामने खुद को सच्चा और इमन को झूठा साबित करने आया। सुरैया, मेरी इतनी उम्र हो गई है कि मैं सच और झूठ का फर्क समझ सकता हूँ। क्यों नहीं आपने और अम्मा ने उससे सवाल किया? क्या मेरी बेटी बोझ है मुझ पे? नहीं, मैं किसी कीमत पे उसे उस दरिंदे के हवाले नहीं करूंगी। सुरैया, मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। हम सबकी भलाई इसी में है कि एमन वकार के साथ वापस चली जाए। अगर एमन नहीं जाए तो क्या नुकसान हो जाएगा? आप घर वापस लेने का मुतालबा कर देंगे? कैसे कर सकता है वो मुतालबा? भाईजान का घर है ये, जब तक भाईजान जिंदा है वकार मुतालबा नहीं कर सकता। भाईजान तड़प रहे हैं वकार से सुलह करने की, और जिस दिन ये काम हो गया हमें इस घर से निकाल देंगे उसके एक इशारे पे। लेकिन मैं इस घर को बचाने की खातिर अपनी बेटी की जिंदगी को दाव पे नहीं लगाऊंगी। भूखी मर जाऊंगी, सड़क पे रह लूंगी, लेकिन अपनी बेटी कुर्बान नहीं करूंगी। मैं भी इतना खुदगर्ज बाप नहीं हूं कि अपनी बेटी को कुर्बान कर दूंगा। सुरैया, बस मैं ये चाहता हूं कि मेरी बच्ची का घर किसी तरह बच जाए। मानो या ना मानो, तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं मैं अपनी बेटियों से। ठीक है, मांगे माफी वो इमन से, हम सब से, तो जाने दूंगी अपनी बेटी को उसके साथ। अरे, अपने दामाद से माफी मंगवाओगी? उसका ये घिनौना रूप इमन ने देखा है, आपने नहीं देखा फसाहत? तुम इमन को समझाओ कि वो वकार को एक मौका और दे। मौका दे कि उसके जिस्म में जो दो सांसें रह गई हैं वो भी खत्म हो जाए। नानी कैसे बाप है? मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। हम सबकी भलाई इसी में है कि इमन वकार के साथ वापस चली जाए। मेरी इतनी उम्र हो गई है कि मैं सच और झूठ का फर्क समझ सकता हूँ।
आप क्या चाहते हैं? अपने घर वालों के सामने इतराफ कर लो कि अली ने तुम्हें बहकाया। तुम्हारे कदम अगर अली की मोहब्बत में ना बहकते तो हम खुश होते। शक में डूबे हुए दिल में कैसे जीऊं, सच की सच्चाई में लफ्ज कैसे। वो तुम्हें सिर्फ अय्याशी के लिए यूज करता है, दो चार पल तुम्हारे साथ गुजारता है, फिर मेरे पास छोड़ के चला जाता है। मैं बच्चा नहीं हूं एमन। चांद है ना कोई है सितारा, गुंगी हो के रह गई है अब तो मेरी चूड़ियां। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फसाद एमन से कहो कि तैयारी करे। एमन साथ जाएगी क्या? हाँ बेटा, समझा दिया है मैंने उसे, तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। इस बात की क्या गारंटी है कि मेरी एमन को तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी? सुरैया बस अम्मा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, इससे पूछे तो सही मेरी फूल जैसी बच्ची का कसूर क्या था। सुरैया अगर एक लफ्ज भी तुमने आगे बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, खामोश रहो। जिंदगी के इतने साल गुजारने के बाद भी अगर मुझे इस घर में कुछ कहने की इजाजत नहीं है तो इस घर से अपनी बेटी से पहले मैं जाऊंगी। सुन लो फसाद, अगर माँ की ये हरकतें रही ना तो तुम्हारी बेटी का घर बसने से रह जाएगा। इतनी बड़ी बात कह दी तुमने सुरैया, तुम्हें एहसास है तुम क्या कह रही हो? अंकल अभी इन्हें बोल लेने थे, मैं आंटी के सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आप सबको क्या लगता है कि मैं एमन को यूं ही अपने साथ लेकर चला जाऊंगा? मेरी भी कुछ शरायत है, लेकिन पहले मैं आंटी को बता दूं कि उनकी बेटी का क्या कसूर है। बक्कार, इसका तो दिमाग चल गया। आंटी, आपकी बेटी का कसूर ये है कि वो शादीशुदा होके अपने दिल में उस शख्स की मोहब्बत पालती रही जिससे वो बचपन से प्यार करती है। दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, और तुम कैसे इतना बड़ा दावा कर सकते हो मेरी बेटी के दिल का हाल जानने का? अगर उस दिन मैंने निकाह की पहल ना की होती तो आपकी बेटी आप सबकी इज्जतों को रोंद कर अली के साथ चली जाती। काश चली जाती तो तुम जैसे दरिंदे के हाथों अजाब में ना पड़ी रहती। सुरैया, तुम जबान को लगाम दो। निकाह तो हो गया मेरे साथ, लेकिन अली उसके दिमाग से ना निकल सका। बताते क्यों नहीं तुम कि एमन को अजियत देने के लिए अली को नथिया गली तक लाए भी तुम थे? मेरी बच्ची का तो उससे कोई रابطہ भी नहीं था। जी नहीं, मैं अली को अपने साथ नथिया गली इसके लेकर गया था कि एमन वहां से ना जाए। ये दोनों मेरी नजरों के सामने रहे, इस बात का मुझे इत्मीनान है बस। लेकिन वकार बेटा, अगर हालात इतने बिगड़ चुके थे, मामलात इतने बिगड़ चुके थे, तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि सोचा आप सबको दुख होगा। सोचता रहा कि वक्त आएगा जब एमन के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग उठी, लेकिन अली से उसके रابطے रहे, अली के जानने वालों से उसके रابطے रहे, अली के माँ बाप से उसके रابطے रहे, ये सब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त। और फिर वो दिन भर अली के साथ गायब रहने लगे, ये सब मैं कैसे सह सकता? ये दोनों मेरे बच्चे के कातिल। बस करो वकार, बस करो। सुरैया, तुम अब भी अपनी बेटी को बेकसूर समझती हो? बेटियां तो माँ के वजूद से सांस लेती हैं फसाद, मेरी बच्ची हमारी इज्जत के साथ वो सब कुछ नहीं कर सकती जो ये कह रहा। वो बेवकूफ तो अब भी इसके साथ जाने को तैयार बैठी, और ये उस पे इल्जाम लगाए जा रहे झूठे। घटिया इंसान है, मुझ पे कितने गलीज इल्जाम लगा रहे, ये कैसा मर्द है? एमन तुम नहीं गुड्डी बाजी, मैं मर सकती हूँ लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जो भी कह रहे हैं वो सब झूठा, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है।
देखो एमन, मैं मानती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन तुम ये देखना अल्लाह ताला इसके झूठ इसके सामने लगा। इतने सालों से बर्दाश्त किया, अभी भी अम्मी अबू को कुछ भी नहीं बताया, और वो घटिया इंसान क्या क्या बकवास कर रहा है कि मैरी के साथ मुसलसल रابطے में थी। और एमन, तुमने आज तक ये बातें छुपाई, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, ये सबसे बड़ा जुर्म। इन्हें जितने दिन उसके साथ गुजारे हैं ना, उससे ज्यादा जख्म अपने वजूद पर खाए। देखो एमन, जितने जुल्म बर्दाश्त करने थे बस कर लिए, अब ये गलती दोहराने की जरूरत नहीं। तुम आज अपने घर वालों के सामने अपने पर किया गया एक एक जुल्म बयान, एक एक जख्म दिखाओगी अपना। नहीं बाजी, ये नहीं कर सकती। तुम नहीं करोगी ना तो मैं करके दिखाऊंगी, और देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे। अब अगर एमन मेरे साथ जाएगी तो मेरी कुछ शरायत हैं। हाँ हाँ बेटा, हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मगर यकीन जानो मेरी मेरी एमन ऐसी नहीं है बेटा। एमन कैसी है ये बात मुझसे बेहतर कोई और नहीं जानता होगा, क्योंकि मैं उसका शौहर हूँ। आप लोगों को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि जब यहाँ से कोई वहां आने की बात करता था तो एमन उन्हें मना कर देती थी ताकि वो अपने करतूत छुपा सके। ये तो उसने बहुत बुरा किया। तुम बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? आप लोग एमन को बुलाएं। तुम अपनी शर्त बताओ पहले। उसे वादा करना होगा कि आइंदा अली के साथ कोई ताल्लुक ना रखे। उसका पहले भी अली से कोई ताल्लुक नहीं था, और जितना ताल्लुक हमने देखा ना उसकी गुंजाइश तुमने खुद पैदा की। चुप रहो तुम भैया। बकार बेटा, वो आइंदा कभी उससे रास्ता कायम नहीं रखे। मैं वादा करता हूँ तुम्हें। बेटा तुम्हारी तसल्ली के लिए हम एमन को बुला लेते हैं। सुरैया, एमन को बुला कर ला। एमन पे अब मैं किसी की जबरदस्ती नहीं चलने दूंगी अम्मा। मुझे तो लगता है सुरैया, बेटी और भांजे के साथ तुम भी इस चक्कर में शरीक हो। आइए एमन, यहाँ पे सब आपका फैसला सुनना चाहते हैं। ही फैसला ना जो आपने मुझे सुनाने को कहा है। नहीं चाहते ना कि मैं सबके सामने ये कहूँ कि मैं अब भी अली से मोहब्बत करती हूँ। आप यही चाहते ना कि मैं सबसे कहूँ कि मैंने आपके निकाह के बाद भी अली को चाहा है। चाहते ना? सच भी तो यही है। यकीन करें बकार, अगर अभी आपने ये सब बातें ना की होती ना, आप एक दफा मुझे कहते मैं आपके साथ वापस चले जाती, मैं सब कुछ भूल जाती, सारे जुल्म सारे ज्यादतियां मैं आपको माफ कर देती। मैं वाकई भूल गई थी कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ की है जिसके पास तो गुरूर के सिवा कुछ है ही नहीं, जो इंसानों को नीचा दिखाकर फखर महसूस करता है। उसके इस शौक के सदमे उसकी बीवी आई या उसका बाप उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बस करो बेटा एमन। नहीं अबू, आज मुझे चुप मत करवाइए, या तो मुझे बोलने दें या मेरी जबान काट दे। आपको पता है कितने साल मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया है, कितने साल चुप रही हूँ आपको अंदाजा भी है, कितनी दुआएं मांगी है मैंने अल्लाह से कि ये दिन कभी भी ना आए, लेकिन मैं क्या करूं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब चाहे मेरे टुकड़े कर दे लेकिन मैं इस शख्स के साथ वापस नहीं जाऊंगी। अब तो यकीन आ गया होगा आप सबको कि ये एस्केप करती है मुझसे, लेकिन तलाक तो फिर भी मैं नहीं दूंगा। बस करो बेटा बस, हम है ना कोई राह निकालेंगे। एमन
इस दिन के लिए बड़ा किया था मैंने तुझे। ऐमन गलत नहीं है फसाहत भाई। गुड्डी ये हमारे घर का मामला है, तुम इस मामले में मत पड़ो। नहीं दादी माफ कीजिएगा, मगर ये उस लड़की की जिंदगी का मामला है जिस पर लगाए गए घिनौने इल्जाम को आप लोगों ने बहुत आसानी से कबूल कर लिया। आपने पहले भी इस घर में फसाद पैदा किया था और अब आप दोबारा वही करने की कोशिश कर रही हैं। बकार, अगर तुम सच्चे हो तो कुरान पे हाथ रख के गवाही दोगे? क्या मतलब है आपका? कुरान पे हाथ रख के कहोगे कि जो इल्जाम तुमने अली और ऐमन पे लगाया वो सच है? सुरैया, क्यों इस घर को अजाब की नजर कर रही हो? ऐसी घटिया बातों का फैसला अब कुरान शरीफ पर होगा क्या? बोलो वकार, लेके आऊं कुरान? मानते हो ना कुरान को? रखोगे कुरान पे हाथ? मैं इतनी सी बात के लिए कुरान पे हाथ नहीं रखूंगा, लेकिन ऐमन जरूर रखे। फसाहत भाई, आपको यकीन नहीं आ रहा तो ऐमन से कहे कि वो रखे कुरान पे हाथ, फिर तो आपको शायद यकीन आ जाएगा कि वो झूठी नहीं है। लोग बात खत्म करने की बजाय बढ़ा क्यों रहे हो? दादी बात तो कब की खत्म हो गई? आप लोगों ने शायद ऐमन का फैसला सुन लिया है। मुझे तो लगता है कि ये बात कब की खत्म हो गई होती अगर आपने एक दफा, सिर्फ एक दफा ऐमन को अपने पास बिठाकर उसके सारे जख्म देख लिए। आपने पहले भी इस घर में फसाद पैदा किया था और यकीनन अब भी आपकी यही कोशिश है। साहब भाई, ऐमन की बेगुनाही के लिए मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अरे शौहर तो बीवियों पर हाथ उठाते ही रहते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है? ऐमन हमेशा अपने जख्म हर किसी से छुपाती है, यहाँ तक कि उसने सुरैया भाभी को भी कभी कुछ नहीं बताया। आप देख रहे हैं कि उसका जिस्म कैसे छल्ली हुआ है। आप सबको ये लगता है कि उसका बच्चा उसकी खुशी से सहा, जबकि हकीकत तो ये है कि इस शख्स के ढाए गए जुल्म की वजह से उसकी औलाद इस दुनिया में आने से पहले ही नहीं है। ये क्या है वकार? बस जाग गई आपकी मोहब्बत की। वकार, ये क्या जुल्म किया है तुमने फूल सी बच्ची पर? तुम इतने जुनूनी हो सकते हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐमन ने हमेशा अली को मुझ पर फोक किया, वो बचपन से उसे चाहती। अगर उस दिन मैंने आपको ऐमन के इरादों के बारे में नहीं बताया होता तो अली के साथ भाग चुकी है। मेरा साथ वो सिर्फ दिखावे के लिए दे रही है। उसके दिल और दिमाग पर अली ही छाया हुआ था। अब आप सब मुझे बताइए, कोई मर्द ये बर्दाश्त कर सकता है? सरासर गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप फकर। हकीकत क्या है मैं सबको बता। सच्चाई ये है कि ऐमन कभी भी अली के साथ नहीं जाना चाहती थी। मैंने उन्हें मजबूर किया था कि वो चले जाए यहाँ से। ऐमन को अपने घर वालों का फैसला हर हाल में कबूल था, उसे अपने घर वालों की इज्जत सबसे ज्यादा अजीज थी। नफरत है मुझे किसी की दूसरी चॉइस बनने पर। अगर नफरत थी तो इनकार कर देती। अपने सामने किसी दूसरे की जीत से भी नफरत है। तो इसका मतलब है वकार, तुमने बदले की आग में सब कुछ किया। आप सबको जो भी कहना है आप लोग कह, लेकिन अगर आपकी बेटी ने ऐसा अजाब में गुजारे हैं तो लम्हा बलम्हा मैंने भी अजाब में गुजारे हैं। जो किसी की नजरों के सामने हो और किसी और के दिल में बसती हो, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी फूल जैसी बच्ची की जिंदगी को तुमने जहन्नुम बना दिया, कांटों की सेज बना दिया। कितनी बड़ी कोई बददुआ भी नहीं है मेरे दिल में जो मैं तुम्हें दे सकूं और मेरी बेटी के दुखों का मदावा हो जाए। दिल तो चाहता है तुम्हें जान से मार दूं।
हाँ बोलो। तुमने खुद शुजा को उसके साथ देखा है? अच्छा ठीक है, मेरे पहुंचने तक तुम वहीं पे रहना और अगर वो दोनों कहीं निकले तो मुझे बताना। मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। वेट फॉर मी देयर। ओके ओके बाय। तेरी बच्ची, तू इतना जुल्म बर्दाश्त करती रही और मैं तुझे ही कसूरवार समझती रही। इस घर की बड़ी होने के बावजूद मैंने बड़ा बनकर नहीं दिखाया। शर्मिंदा मैं तेरे नाते, शर्मिंदा तो मैं तुमसे। तेरे छुपे हुए आंसुओं में कोई कर नहीं ले जाती। मुझे किसी से भी किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस मुझे इस घर में रहने दो। मुझे पगार से तलाक नहीं चाहिए, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मेरी बच्ची, अगर वो अब एड़ियां भी रगड़ेगा तो मैं नहीं बैठूंगी उसके साथ कुछ। शिजा को बुलाओ। अब कौन? वकार नाम है मेरा, शिजा को बुलाओ। कौन आया है? कोई वकार साहब है। हम भेज दो अंदर, जाओ। तुम कराची कब आए हो? अफसोस हो रहा है ना मेरे आने का। मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी रुक जाओ। ये घर किसका है? कह जाओ, जो बात करनी है यहीं पे करो। ये तुम मुझसे कह रही हो? हाँ तुम्हें कह रही हूँ। बली सो रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी आवाज से वो डिस्टर्ब हो जाए। सो रहे हैं? डिस्टर्ब ना हो, who the hell is he? कहा था ना मैंने तुमसे कि तुम्हें मिलवा दूंगी, मगर तुमसे सबर तो हुआ नहीं। मैंने वली बिलाल से शादी कर ली। शादी? But you said you loved me. हाँ जानती हूँ, इसलिए तो हम अच्छे दोस्त हैं। दोस्त? तुमने मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे शुदा। मैंने तुम्हारी कौन सी डिमांड पूरी नहीं की है? अपने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी है मैंने तुम्हारे लिए? तो मैंने कभी शिकवा भी नहीं किया तुमसे। तो फिर शादी किसी और से क्यों की? तो तुमने भी तो यही किया है, मोहब्बत मुझसे करते थे और शादी अपनी कजिन से किया है। ये हुनर मैंने तुमसे ही सीखा है। हम अच्छे दोस्त हैं और आइंदा भी अच्छे दोस्त ही रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह बाकी रह गई? तुम और मोहब्बत के लायक नहीं। निकलो यहाँ से राइट नाउ, आउट। बली सो रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी आवाज से वो डिस्टर्ब हो जाए। कहा था ना मैंने तुमसे कि तुम्हें मिलवा दूंगी, मगर तुमसे सबर तो हुआ नहीं। मैंने वली बिलाल से शादी कर ली। शादी? इन खूबसूरत लम्हात में उसका जिक्र मत करो। छोड़ दो उसे। छोड़ तो मैंने उसे उसी दिन दिया था जिस दिन मुझे पता चला था कि वो मेरे लिए नहीं। मेरा मतलब है कि उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो ना। अपने आप को इस अज़ियत में रखने का क्या फायदा? उसे रखो या ना रखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो बस यही काफी है कि तुम सिर्फ मेरे। निकलो यहाँ से राइट नाउ, आउट। मैंने वली बिलाल से शादी कर ली। निकलो यहाँ से। मोहब्बत से करते थे और शादी अपने कजन से की है। मैंने वली बिलाल से शादी से की है। निकलो यहाँ से राइट नाउ। मैंने वली बिलाल से शादी कर ली। हरे हरे चूड़ियां।